और देश भर में पिछले एक हफ्ते से डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर सियासी गलियों में मां काली के विवादित पोस्टर को लेकर संग्राम मचा है। काली विवाद पर अब पीएम मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पीएम मोदी ने कैसे बगैर किसी का नाम लिए मां काली का अपमानित करने वाले लोगों को नसीहत दे डाली है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। काली पोस्टर विवाद पर पहली बार बोले पीएम मोदी। मां काली का अपमान करने वालों पर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। मां काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। पीएम मोदी की इन बातों को फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के मां काली पर बनाए गए विवादित पोस्टर के साथ ही महुआ मोइत्रा की बातों के जवाब के रूप में देखा गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश भर में काली पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर से शुरू हुआ यह विवाद सियासी संग्राम में बदल चुका है। मां काली को लेकर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में स्वामी आत्मस्थानंद की जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में शांति और सद्भाव का एक बड़ा संदेश दिया और कहा कि वो देवी काली की पूजा करने के बाद सशक्त महसूस करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इशारों इशारों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मां काली का अपमान करने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भी नसीहत दे डाली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ था, जिसे फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में मां काली के ड्रेस में एक महिला को दिखाया गया जो सिगरेट पीते दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस पर विवाद छिड़ गया और फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ एक्शन की मांग की जाने लगी। इसी विवाद पर एक टीवी चैनल से बातचीत में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर एक और अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद ये मामला और भी गर्मा गया और बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी को हिंदुओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं है और पीएम मोदी के मां काली विवाद पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से टीएमसी को घेरने की कोशिश की। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि महुआ ने किस प्रकार मां काली का अपमान किया था, लेकिन उसके बावजूद ममता सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ममता बनर्जी दूसरे धार्मिक मसलों पर एक्शन की बात उठाती रहती हैं। फिर इस मामले में अपने सांसद पर दोहरा मापदंड क्यों, जिस पर टीएमसी ने एक बार फिर से महुआ मोइत्रा के बयान से पल्ला झाड़कर खुद को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश की। टीएमसी की नेत्री और सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से अपमानजनक शब्द बोले हैं, महुआ मित्रा जी के ऊपर अभी तक ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला है, केवल और केवल हुस्न अफरोजी के लिए एक ट्वीट करके किनारा करने की कोशिश की है। और इसीलिए आज सवाल ये बनता है कि क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस महुआ मित्रा जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कॉन्क्लेव में कुछ बातें रखी हैं मां काली के संबंध में, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं,
तृणमूल कांग्रेस के विचार इनसे अलग है और उनके विचारों को हम लोग ने समर्थन नहीं। साफ है, माँ काली विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासतदान अपने अपने नफा नुकसान के मुताबिक बयान दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने माँ काली के जरिए शांति और सद्भाव का संदेश देकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की है।